Welcome back, children. We are here again with a new lesson named Word Game. And this word game is a science mix. It is based on the hints from science, which is given on the next page. And you have to fill this grid, this puzzle here, with the help of the clues which is given on the next page. And here across and down the hints are given. I'll be discussing about the answers here which you will be filling in the crossword which is given before, right? So the very first hint, the very first clue is a tiny piece of matter. A tiny piece of matter is nothing but particle, right? Everything is made by particle, and so the tiny piece of matter is particle. And what is matter? Matter is something which has space, which has weight and occupies space. Matter वो हर चीज है जो जगह को घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ वेट जरूर है. और वो सबसे छोटा पीस ऑफ मैटर क्या है? पार्टिकल. द नेक्स्ट वन इज समथिंग दैट हैज अ शेप एंड इज नीदर अ गैस नॉर अ लिक्विड. अगर कोई चीज गैस नहीं है, लिक्विड नहीं है, तो वो क्या होगी? थ्री. यहाँ पे देखो, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है? तीन ही रूप में कोई भी चीज अवेलेबल होती है, या तो सॉलिड, या लिक्विड, या गैस. अगर कोई चीज गैस नहीं है, लिक्विड नहीं है, दैट मींस इट इज अ सॉलिड. सो द आंसर फॉर फोर्थ अक्रॉस इज सॉलिड. नाउ द सिक्स्थ, अ थिक क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वॉटर. छोटा सा क्लाउड टाइप का हो जाता है जिसमें कि वॉटर ड्रॉप्स फ्लोट कर रहे होते हैं. तो ये आपको इस वेदर में, प्रेजेंट वेदर में देखने को मिलता है. फॉग, जब आप सुबह उठते हो तो धुंध सा होता है ना, क्लाउडी सा एकदम होता है, और उसमें फाइन ड्रॉप्स होते हैं. अगर आप बाइक या स्कूटी या ऐसे चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो वो पूरा आपके चश्मे पे या पूरे फेस पे हो जाता है. सो दैट इज फॉग. सो द आंसर फॉर द सिक्स्थ अक्रॉस इज fog. The next one, a metal that rust and can be magnetized. एक कोई ऐसा metal जो सड़ता है, means rust होता है, ठीक है? Rust means junk लगना, जिसमें junk लगता है और जिसको magnetize किया जा सकता है, जिसपे magnet भी अपना effect दिखाता है. So that is iron. That is iron. Children, I'll be just showing you the answers too, so that you write the correct spelling. You have to write the answers here also, and you have to fill the crossword too. So the very first one was particle, then solid, then fog, and then iron. The next is a form of energy that is carried by the flow of electron. बेटा, ये electricity की definition है. इलेक्ट्रिसिटी तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रॉन? दिस थिंग यू विल बी लर्निंग इन योर हायर क्लासेस. अभी आपको दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है. और वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी. द नेक्स्ट, 11th across is a sharp curved claw on the foot of a bird. एक ऐसी bird जिसकी बहुत ही sharp और curved claw है, ठीक है? और इसका जो hint दिया हुआ है, that is also given that it starts from T. अगर आप crossword देखोगे, ठीक है, तो 11th का जो ये crossword है, which you can see here, that it starts with T. So the name of that bird is talon. ठीक है, TALON, right? The next is liquid or powder that helps remove dirt. ऐसा liquid या powder जो कि dirt हटाता है और जो कि D से start होता है, तो वो क्या है?
डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट इज अ पाउडर जिससे कि डर्ट रिमूव होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस. अगर आपको डायरेक्शंस फाइंड करने हैं तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे, दैट इज कंपास. ठीक है, द लास्ट अक्रॉस इज 17, द सिल्की और फाइब्रस कवरिंग अराउंड अ कैटरपिलर ड्यूरिंग द चेंज इन टू अ बटरफ्लाई. जब कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज होता है तो एक फाइबर प्रोड्यूस करता है, वो सिल्की सा होता है एंड दैट इज नोन एज कुकून. ठीक है, कुकून होता है जिससे सिल्क बनता है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द स्पेलिंग्स ऑल्सो चिल्ड्रन एंड राइट इट करेक्ट इन योर बुक. सो नाउ विल बी डिस्कसिंग द डाउन क्लूज एंड द वेरी फर्स्ट वन इज अ वेरी लार्ज डायनासोर विथ अ लॉन्ग नेक एंड टेल. देर इज अ लार्ज डायनासोर जिसके बहुत ही लॉन्ग नेक है और टेल भी है और जिसका नाम डी से शुरू होता है एंड द थर्ड अल्फाबेट इज पी विच इज गिवन इन योर हियर इन दिस क्रॉसवर्ड दैट इट हैज डी पी ओ एंड ओ. सो दैट इज डिप्लोडोकस. ठीक है, अ लार्ज डायनासोर विच हैज अ लॉन्ग नेक एंड टेल विच स्टार्ट्स विद डी इज डिप्लो डोकस. हियर यू कैन सी डिप्लो डोकस. नाउ द नेक्स्ट इज अ लार्ज रेप्टाइल ऑफ अ क्रोकोडाइल फैमिली. क्रोकोडाइल फैमिली का ही बड़ा सा रेप्टाइल दैट इज एलीगेटर. एलीगेटर, ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर, एलीगेटर. नाउ द नेक्स्ट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी. वेट ऑफ द बॉडी जो है वो पूरा बोन्स पे ही डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये बोन्स के फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? बोन्स के फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं. क्या कहते हैं? स्केलेटन. सो द आंसर इज स्केलेटन. द नेक्स्ट इज अ कलरलेस गैस दैट एनिमल्स ब्रीद इन टू लिव. एनिमल्स जिस एयर को ब्रीद करते हैं जीने के लिए, हम लोग भी वही ब्रीद करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन. राइट, दैट इज ऑक्सीजन. चिल्ड्रन यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ स्केलेटन इन ऑक्सीजन फ्रॉम हियर एंड राइट इट डाउन इन योर बुक करेक्टली. द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, एज यू ऑल नो दैट देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड द लार्जेस्ट वन इज द जुपिटर. द लार्जेस्ट वन इज जुपिटर. Now the ninth one, the gas that protects the earth from the sun's harmful radiation. Sun ke harmful radiation se hume ozone layer bachati hai. Kaun sa layer hai? Kaun si gas hai? Ozone gas or ozone layer. You can please write the correct spelling from here. Jupiter and ozone, O-Z-O-N-E. The next one is a mixture of rotten plants and food that is used as फर्टिलाइजर्स. ये चीज हम लोग घर में भी बना सकते हैं. जो भी आपके किचन के वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर आप एक पिट, घर में एक पिट बनाओ और उसमें डालो और उसको कवर करो, तो देन यू कैन टर्न द रॉटन प्लांट्स एंड फूड इन टू अ फर्टिलाइजर विच इज नोन एज कम्पोस्ट. COMPOST, कम्पोस्ट. Now what is Milky Way? Milky Way is an example of a galaxy. Universe में कई सारी galaxies हैं. Milky Way is the galaxy जिसमें हमारा solar system exist करता है. Now the next is a line where the sky and the earth appear to meet. देखो जैसे ये line है ना, here ऐसा लग रहा है कि earth और जो sky है दोनों meet कर रहा हो, ये line है. So, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजन या होराइजन. ठीक है, सो दैट इज द आंसर. यू कैन सी द स्पेलिंग फ्रॉम हियर ओनली. एंड द स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स. द स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स, OPTICS, ऑप्टिक्स. सो हियर आर द आंसर्स ऑफ ऑल द क्लूज गिवन अक्रॉस एंड डाउन एंड ऑल्सो द आंसर्स. Children, you can note down the answers from here. You have to write the answers like this in your book and also you have to fill the crossword. I hope you got to know and you
found this thing very interesting and you enjoyed filling this crossword. Thank you, children, and have a good day.